जर्नी पे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने की क्यों जरूरत है, पहले तो हम ये जानते हैं ना। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और कुछ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बेसिकली या तो ऐसा हो रहा होगा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, उससे हमें केमिकल एनर्जी मिल रही होगी, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले, या फिर क्या हो रहा होगा कोई केमिकल रिएक्शन को करवाना है तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दें, वो रिएक्शन हो जाएगी, हो सकता है खुद से ना हो रही हो। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन बच्चों किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी के बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है, क्लियर है पॉइंट। तो देखो आपके जो रियल लाइफ है ना, वहां पे इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किस पे वर्क कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं। जैसे आपने कभी न्यूरोनल कम्युनिकेशन के बारे में सुना है, तो ये भी एक क्या है, न्यूरोनल कम्युनिकेशन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है भाई, है कि नहीं। तभी कुछ हुआ, ब्रेन को पता चला, उसने बोला भाई हाथ उठा। तो ये सारा एप्लीकेशन किस पे बेस्ड है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है, ठीक है। हाँ जैसे मैं बात करूं आगे बच्चों, देखो हाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, भाई ज्वेलरी खरीदने जाते हैं घर वाले, ज्वेलरी खरीदने जाते हैं भाई, गोल्ड ही लेना यार, प्योर गोल्ड हो, या कई बार क्या होता है सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग करी जाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये कॉपर है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, पॉजिटिव एनोड है, एनोड में क्या होगा, जैसे मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, अब किसी बॉडी पे आपको कॉपर की प्लेटिंग करनी है, अब किसी को कॉपर लगवाना है, तो यहां से क्या होगा एनोड में बच्चों, देखो मैं बताऊं एनोड में जैसे क्या हुआ, एनोड में क्या होगा, कॉपर सॉलिड, कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन दे, अब ये कॉपर 2+ आया ना यहां पे, कॉपर 2+ क्या आएगा, तो देखो क्या होना चाहिए, जिस मेटल पे आप कोटिंग कर रहे हो वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करना चाहिए, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज कर रहे हो, और यहां पे क्या कर रहे हो, कैथोड में जाके क्या होगा बेटा, कॉपर 2+ दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कर लेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना लेगा। कुछ इस तरीके से क्या हो रही है, मेटल की प्लेटिंग हो रही है, लेकिन मेटल की प्लेटिंग जब होगी, जिस पे आप प्लेटिंग कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करना चाहिए वो मेटल, ठीक है, तो वहीं पे जाके प्लेटिंग हो पाएगी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, कई बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किस लिए होता है बता, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, और कोरोजन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, उसके लिए भी हो सकता है, ज्वेलरी में सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, तो ये सारी चीज बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है, कभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं। अरे सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप वॉचेस यूज करते हो, सेल डालते हो ना अंदर, है कि नहीं, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी वगैरह यूज करते हैं हम, पहले मरकरी की बैटरी यूज होती थी, है कि वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है बच्चों, क्लियर है। जैसे देखो अब अपने कुछ चैप्टर्स भी हैं, जैसे यदि आपको Cl2 प्रोड्यूस करना है, मोल्टन NaCl ले लिया बच्चों, मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ, यहाँ पे बेटा एनोड में क्या होगा, देखो यहाँ से आप Cl2 प्रोड्यूस कर सकते हो, इस प्रोसेस में आप Cl2 का प्रोडक्शन कर सकते हो, 2Cl2, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा बेटा, मोल्टन NaCl मतलब Na+ और Cl नेगेटिव है ना हमारे पास आयंस, और कैथोड में क्या हो रहा होगा बच्चों, कैथोड में 2Na+ दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना ले भाई, सोडियम सॉलिड बना ले। तो Cl2 के प्रोडक्शन में ये मेथड यूज हो सकता है कि नहीं। तो हमारी केमिस्ट्री में भी देखो कितना यूज है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह का, Cl2 का प्रोडक्शन वगैरह सीखना, तो वहां पे हम इस सब चीजों का यूज कर सकते हैं, समझ में आ रही है बात। तो ये मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, मेटलर्जिकल प्रोसेस जहां पे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का, एक्सट्रैक्शन करते हैं वहां पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज है, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, कॉपर का, कॉपर की रिफाइनिंग वगैरह, जहां पे अपन क्या करते हैं इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे क्या है यूज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड्स, क्लियर फंडा। हाँ ये देखो हमारे जो सेल्स हैं हमारे सामने, ठीक है, ये देखो वॉचेस वगैरह में सेल यूज होते हैं सिल्वर ऑक्साइड वगैरह के, पहले अपने मरकरी वाले यूज होते थे, लेकिन मरकरी टॉक्सिक में होती है और इन्वायरमेंटल कुछ कंसर्न्स रहे थे जिसकी वजह से मरकरी वगैरह सेल का अब उतना यूज नहीं किया जाता। देखो छोटे छोटे सेल होते हैं हमारे वॉचेस वगैरह में, है कि नहीं। तो हमारे सामने इतने सारे एग्जांपल है, क्या होता है देखो सीधी सी बात है, आप टॉर्च जला रहे हो, टॉर्च जला रहे हो तो उसके अंदर कोई ना कोई बैटरी लगी होगी, और उस बैटरी में क्या हो रहा होगा, केमिकल एनर्जी को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे होगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होगे, किसमें कन्वर्ट कर रहे होगे भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होगे, तभी तो उससे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप रोशनी दिखा पा रहे हो, टॉर्च के यूज करके रोशनी देख पा रहे हो, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो हमारी लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना ज्यादा यूज है, और इसी पे बेस्ड अपन एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, इसी पे बेस्ड अपन एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, किस तरीके से बैटरीज वर्क करती है, सेल वर्क करती है, सारी बातें करने वाले हैं। तो बच्चों तैयार हो जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कितना सारा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है और बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो तैयार हो, स्टार्ट करेंगे अपन आज से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चलो।